जनसत्ता दल के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है। यूपी विधानसभा चुनाव के विषय को लेकर राजा भैया लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। इन्हीं सब के बीच एक सवाल राजा भैया से ये किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यूपी के सभी गुंडे चले गए हैं, इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर राजा भैया ने कहा, कुंडा में कोई गुंडा नहीं है। कुंडा के विधायक से सीएम योगी के गर्मी वाले बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम लोग प्रचार के लिए सुबह निकलते हैं और रात को लौट आते हैं, टीवी देखने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता। हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बयान किस संदर्भ में दिया है। राजा भैया यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने कहा, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। जब राजा भैया से ये सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश से जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो सब जा चुके हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है, राजा भैया ने कहा, इस तरह के सवाल अगर आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे तो आपको ज्यादा सही उत्तर मिलेगा। कुंडा में हर वर्ग के लोग बड़े सौहार्द के साथ रहते हैं, बल्कि पूरे प्रतापगढ़ में इसी तरह के लोग रहते हैं। यहाँ कोई गुंडा नहीं है और ना ही इस धरती के लोग गुंडे को बर्दाश्त करेंगे। हम लोग बहुत सक्षम और मजबूत है, यहाँ पर गुंडागर्दी जैसी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।